देखो ज्ञान की बातें ज्ञान से दिया जाए तो बहुत अच्छा रहे, हम यहां आपको बहला नहीं रहे, फुसला नहीं रहे, हमारा एक ही सोच है, आपको अच्छा लगता है तो जुड़े रहो, बुरा लगता है तो भाई छोड़ दो, आप देखो मत वीडियो। हमें राजनीति में नहीं आना है, राजनेता नहीं बनना है, हमें और भी कुछ कार्य नहीं करना है। अगर हम दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाएंगे तो आप जैसे लोग जो खून के आंसू रो रहे हो, जो अपने आप को ठीक नहीं करवा पा रहे हो, ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो इस पृथ्वी पे हमारे जैसे लोगों का पैदा होना ही गलत है। अगर ऊपर वाले ने ज्ञान दिया है तो आपको देना पड़ेगा, हम देंगे आपको। अगर उन्होंने किसी विद्याओं से किसी की परेशानियों को खत्म करने का अगर ज्ञान दिया है तो वो हम करेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो सत्य सनातन का पिलर इतना मजबूत नहीं रहेगा। प्रवचन करने से ज्ञान सबको मिलता है, परंतु प्रवचन में कितने बड़े पॉलिटिक्स होते हैं ये तुम्हें नहीं मालूम है। एक बात हमेशा ध्यान में रखो, आज जात पात का बंटवारा हुआ है, इसी देश की बात है, हमारे इंडिया की बात है कि आज जात पात में हम लोग बढ़ गए। आज कथा प्रवाचकों ने और भी इसमें मजबूती बना दिया है, ये तो धर्म धर्म को ही बांटने में लगे पड़े हैं। हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण शब्द अहंकार है, कर्म ही ब्राह्मण बनाता है, ठीक है, कर्म ही विद्वान बनाता है। अगर कर्म ही गलत है तो तुम्हें भी नीच बनाएगा कि उल्लू बनाएगा ये तुम्हें मालूम है। कोई यहां जात पात की उत्पत्ति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हम सिंह है, राजपूत है, पंडित है, ब्राह्मण है, यादव है, ये है वो है, तो इन हराम खोरों को यह बता देना कि प्रमाण पत्र लेकर कोई तुम्हारा दादा आ जाया था क्या, ये जरूर बताना। ये सत्य की ज्ञान दे रहा हूं मैं, असत्यता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुम्हारा बाप ऊपर से आया था क्या, या सब सबको चोर चमार समझते हो, तो मतलब ये क्या है, इनकी इनके भी खानदान अलग से आए थे। सर्वधर्म संपन्न की भावना रखना सभी का कार्य है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, इंसानी रूप में मनु शत्रुपा ही रहे, और मनु शत्रुपा से ये पूरा संसार बना है, पूरा ये सृष्टि बनी है, मृत्यु लोक बनी है। तो मनु शत्रुपा जो रहे हैं, तो मनु शत्रुपा तो तुम्हारे भी पूर्वज है, हमारे भी पूर्वज है, तो साला यहां जात पात कहां से आ गया। महादेव कहते हैं कर्म जैसा करोगे, कर्मों के अनुसार वैसी तुम्हारी पोजिशन, वैसी तुम्हारी हालत होगी। इसीलिए कहा गया है कर्म ही इंसान को पंडित बनाता है, ब्राह्मण बनाता है, और चोर बनाता है, चमार बनाता है। कर्म जैसा करोगे वैसे ही फल मिलेंगे तुम्हें। तो जात पात कहां से आ गया, ये सवाल तुम लोग सबसे रखना, सबसे। जिस हरामखोर की गांड में दम होगा जवाब देगा यहां पे आके, ठीक है, जिससे अंदर जवाब होगा वो देगा, हम उसे देंगे जवाब। ये जात पात का जहल घोल कर इंसान को गुमराह कर दिया गया, इंसान को मरने की कगार पे लाके छोड़ दिया है, ये इससे हम बहुत दूर है, इससे हम कोसों दूर है। हमारे आश्रम में हर एक वर्ग के लोग आते हैं, हम कभी पूछते नहीं कि तू क्या है क्या नहीं है, बस हम बोलते जा बेटा रोटी बना खाते हैं। आपको नहीं मालूम है, हमारे यहां अगर आके बोल दे कि हम ये है वो है, तो हम गांड फाड़ देते, भाग यहां से साले, तेरे को नहीं ठीक करूंगा मैं, यहां पे निकल ले यहां से, मैं ऐसा इंसान हूं। कर्महीन वही बनता है जो अपने अंदर छल कपट रखता है, छल कपट रखने वाले प्राणियों को परमात्मा स्वयं दंड देता है, वो माफ नहीं करता, समझ गए। आज अगर हमारे इंडिया में, हमारे देश में अगर ये जात पात का बंटवारा नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, ईर्ष्या भाव नहीं होता, तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं बनता, समझ में आया, कोई हिंदू मुसलमान नहीं बनता। और मुसलमानों की इतनी ताकत नहीं थी कि इंडिया में आके मुसलमानी कब्जा कर ले, इस्लाम कबूल करवा ले, किसी के अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन हमने जबरदस्ती अपनी अपनी पछवाड़ा मुड़वा के रखी है ये जात पात भेदभाव के नाम पे। इसीलिए मैं गुस्से में आता हूं, क्रोध में आता हूं, और ये नहीं है, मैं चाहूं तो एक झटके में सबको ना लंगड़ा लूला बना सकता हूं मैं। ये जो ऐसी हरकतें रखते हैं, लंगड़ा लूला बना सकता हूं, ना बनाऊं तो एक बाप की औलाद नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, ये जो तुम्हारे सोच है इसे चेंज करो, सोच को चेंज करो, बस सोच को चेंज कर दो, सब चेंज हो जाए, समझ गए। आज लोग कहते हैं, लोग बहुत बहुत बड़े बड़े
तांत्रिक मांत्रिक सब सोचते हैं दिनेश्वर ऐसे कैसे बात करता है यार, हाँ क्या है, क्या आज उनके पास कुछ है? मैं तो खुला दे रहा हूं ना, खुला दे रहा हूं, आओ ये भी लेके जाओ वो भी लेके जाओ। इनकी हिम्मत नहीं कि हमसे वाकई डायरेक्टली बात कर ले, फोन पे बात कर ले, इनकी हिम्मत नहीं है। 2017 से लेके अभी तक इनको इतनी गालियां दे दिया है, इतने में तो पता नहीं कितने लोग मुझे जीजा बना के घर में रख लेते। देखो ईर्ष्या भाव करना बंद कर दो, बस यही रिक्वेस्ट है। आप जितने भी मेरे लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मेरे भक्त हैं, कभी भी आप अपने अंदर ईर्ष्या भाव नहीं पाओ। मदद करनी रहेगी तो मदद कर दो, अगर नहीं मदद करने की योग्यता है या क्षमता है तो किसी ना किसी शरीर से हो या किसी भी परेशानियों में तुम्हारा कुछ हो सकता है, मदद करने के लिए तो कर दो। अगर कोई प्राणी तुम्हारे पास उम्मीद लेकर आता है कि आप मेरी मदद कर दें तो उसे मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने अनाउंस क्या किया, मैंने अनाउंस ये किया कि देखो दो शिविर लगता है, दो शिविर में पैसे लगते हैं और मां नौ दुर्गा शक्तिपीठ का पैसे जाएगा तो मंदिर का पैसे जाएगा, है ना, तो वो नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हमने उसमें अमाउंट रखा है और बाकी शिविर तुम यहां भी कराना चाहते हो, निःशुल्क शिविर हम करने के लिए तैयार है, हम फ्री कर रहे हैं ना, फ्री कर रहे हैं। वहां पे भारी तादाद में आओ, अपने आप को ठीक कराओ, अपने घर पे जाके अच्छे से अपने फैमिली के साथ में रहो। अब ये मैंने क्या गलत किया है, क्या बताइए आप लोग, मैंने गलत सोच रखा है मैंने, इसमें अगर इसमें मेरा क्या फायदा है ये बताओ ना। मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, पब्लिसिटी जिसे चाहिए, जिस गांडों को चाहिए उसको चाहिए। हमारे यहां जिसको जीना है वो जीने के लिए आएगा, ठीक होने के लिए, मरने के लिए नहीं आएगा। तो यही बात है। और बाकी बैठी है दादी भैया, बैठी है बस, वही देखेगी करेगी। मम्मा सत्य हमेशा सतता है, सतता के मार्ग पे चलने वाले लोग कभी किसी के सामने झुक नहीं सकते। वो चाहे बड़ा अधिकारी हो, वो चाहे बड़ा राजनेता क्यों ना हो, सरकार भी तुम्हारे पीछे रहेगी ना, सरकार को अपनी पूरी फैमिली को गंवाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो। सत्य को छेड़ोगे तो उल्टी तीर लोगे, ये तो हमें मालूम है। सत्य को छेड़ दिया तो समझ लेना तुम्हारी सात पीढ़ियां छिड़ गई।